नाइट्रोजन साइकिल स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। इन जनरल द नाइट्रोजन साइकिल हैज फाइव स्टेप्स: नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और इनके ऊपर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। तो ये आप देखें कि आप लोगों ने इस चीज को कैसे जो है ना वो कंप्लीट करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में व्हाट हैपेंस इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और अमोनियम और नाइट्रेट्स, ठीक है। देन नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से NO3 के अंदर इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड, ठीक है। फिर असिमिलेशन में फिक्सेशन इनटू द बॉडी, फिक्सेशन ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। फिर अमोनिफिकेशन में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ये डेथ के बाद है, ठीक है, डीकम्पोजिशन फेज के अंदर दिस इज हैपनिंग इन द डीकम्पोजिशन। देन डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट्स में से वापस थोड़ा सा नाइट्रोजन जाया हो रहा है। नाउ अब बेटा ये देखें, इसमें हर चीज में एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं विद रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे, या फिर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कि ये मेन आपकी इनिशियल सबसे पहले हेडिंग ये होनी चाहिए और ये आपकी सब हेडिंग्स हैं, 5 सब हेडिंग्स हैं, एक और फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन साइकिल की स्केच है वो आएगी। नाउ दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में आप देखिए कि सबसे पहले जब इस किस्म की चीज आपने याद करनी होती है तो बेटा सबसे पहले यू हैव टू लर्न द साइकिल और द स्केच और द माइंड मैप एंड देन यू हैव टू गो टू द डिटेल्स, ठीक है। यू हैव टू गो टू द डिटेल। नाइट्रोजन हैव थ्री टाइप्स, क्या बेटा हसनैन, व्हाट आर यू आस्किंग बेटा, क्लियर क्वेश्चन पूछें फिर जवाब देती हूँ बेटा हसनैन। ओके, क्लियर क्वेश्चन लिखे हसनैन। नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, यहाँ पर सिर्फ हमने अभी वन टाइप बताया है आपको। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है, एक है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और एक है एटमोस्फेरिक फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या है, it is that fixation and it is a major type of nitrogen fixation. About 60% of nitrogen is fixed by biological agents, jisme ki aapke paas jo hai wo aapke fungi and bacteria jo hain they are playing a very large role in this one, biological fixation. Nitrogen fixation is actually that process in which atmospheric nitrogen is changed into a form so that it can be incorporated into the bodies of living things and it can be entered into the process for conversion into usable compounds. Atmospheric nitrogen dekha jaye to it is an unavailable resource, ye itna bada resource hai, ye itna bada reservoir hai, lekin N2 jo hai wo in the form of N2 it is unavailable. हालांकि इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, अपना प्रोटीन जो आपकी बॉडी है, लेकिन ये अनअवेलेबल है, इसको जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक इट विल नॉट बी अवेलेबल। थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है आपके पास, सबसे पहले तो आपके पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हमारे पास क्या होता है कि द नाइट्रोजन गैस इन द एटमोस्फेयर इट इज कन्वर्टेड इन टू usable compounds by nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria are actually present freely in the soil and some bacteria are present with the roots, so in the association with the roots in the root nodules, and those are symbiotic bacteria. So biological fixation takes place by symbiotic एजेंट्स एंड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फ्री एयर के अंदर फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि दे रिड्यूस नाइट्रोजन गैस टू अमोनिया, ठीक है, बाय द यूज ऑफ अ हाई एनर्जी, दे रिड्यूस नाइट्रोजन गैस टू अमोनिया, ठीक है। तो इनका काम यह है कि ये नाइट्रोजन गैस को बायोलॉजिकल फिक्सेशन में अमोनियम के अंदर
नेक्स्ट स्टेप है. अच्छा, इसके अलावा आपके पास एटमोस्फेरिक फिक्सेशन है दैट टेक्स प्लेस बाय थंडरस्टॉर्म्स. थंडरस्टॉर्म्स के अंदर अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिकंदर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बेटा, अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें कि आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और NO बनता है या NO2 बनता है. मुझे आप लोग जरा करेक्ट कर दीजिए अगर कहीं पे गड़बड़ है तो. ठीक है, तो उसमें ये है कि वो बनता है एंड देन व्हेन जब व्हेन रेन फॉल्स तो उसके अंदर वो फिर डिजोल्व होके इट कम्स एंड इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज एन अवेलेबल सोर्स. ठीक है, इट इज एन अवेलेबल सोर्स. ठीक है, सिकंदर इज सेइंग ओके. अच्छा, फिर उसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में ये है कि अब जैसे यूरिया है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में ये मतलब इट कम्स टू द माइंड के हो सकता है कोई धुआं वगैरह हो रहा हो या ये हो रहा हो, क्लास का टाइम कम रह गया है, आगे हम नहीं चलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन को ही कंप्लीट करते हैं. तो इसमें ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं. तो आप कहें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, जो कि आपके पास यूरिया और ये सारी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं. ठीक है, 5 to 8% हमारे पास एटमोस्फेरिक फिक्सेशन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, और 60% हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, और बाकी जो है वो क्या है, बाकी हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजर्स हैं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है. अच्छा, एक जो चीज हमारे पास बेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द नेम ऑफ द जो है ना बैक्टीरिया. बुक में से रीड करती हूँ, आप भी बुक खोलिए. ओनली अ रिलेटिवली फ्यू बैक्टीरिया, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर एबल टू कैरी आउट दिस रिएक्शन. फिक्स्ड नाइट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बाय द डेथ एंड लाइसेंस ऑफ द फ्री लिविंग बैक्टीरिया. अब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जब इनकी डेथ होगी देन इनके अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो एक्सपोज होंगे, लेकिन ये जो है ये दे आर इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड दे कीप ऑन शेयरिंग द मटेरियल विद द प्लांट्स. ठीक है, अच्छा, एजोटोबैक्टर जो है आपके पास जो है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एरोबिक. क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो आपके पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एनएरोबिक. एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रिडियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया. एजोटोबैक्टर एरोबिक है, अपर लेयर्स में है, और क्लॉस्ट्रिडियम एनएरोबिक है, डीपर लेयर्स के अंदर है. लिखे ये चीजें आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है. फिर हमारे पास वो वाले बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हैं प्लांट्स के साथ, ये वाले, ये राइजोबियम है. ठीक है, यहाँ तक हम अपनी क्लास को रखते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे. अटेंडेंस मुझे आप लोग सेंड कर दीजिए, आप लोगों के जो माइक्स हैं वो मैं ऑन करने लगी हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे